डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पेपर 4 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी ग्रंथालय सूचीकरण सिद्धांत ब्लॉक 1 में यूनिट 4 टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम सर्वप्रथम ये जान लें कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है। लाइब्रेरी कैटलॉग किसी भी लाइब्रेरी के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। यह उपकरण एक पुस्तकालय में पठन सामग्री के उपयोग की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह दोनों के लिए उपयोगी है, लाइब्रेरी का उपयोग करने वाले पाठक और लाइब्रेरी स्टाफ या जो भी सदस्य है जो पाठकों को लाइब्रेरी का उपयोग कराने में मदद करते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग एक विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की एक सूची है। यह पाठक को पुस्तकालय संग्रह की सामग्री का खुलासा या जानकारी प्रदान करता है, जबकि कैटलॉगिंग दस्तावेजों का वर्णन करने की एक तकनीक है ताकि पाठक को उस दस्तावेज की पहचान करने में मदद मिल सके जिससे वह रुचि रखता है। तो आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें अरेंज किया जाता है, उसके बारे में आज हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप का अर्थ, या कहे तो हम मीनिंग ऑफ इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। सूची का वह स्वरूप जो उसकी बनावट, प्रविष्टियों के व्यवस्थापन आदि से संबंध रखता है, उसे सूची का आंतरिक या इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कहते हैं। आंतरिक स्वरूप का संबंध उस विधि से है जिसके आधार पर प्रविष्टियों को बाह्य या भौतिक स्वरूप के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आंतरिक रुचि रूप का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ इनर फॉर्म। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। पाठक की सेवा की अवधारणा या कॉन्सेप्ट में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उसके अनुरूप ही सूची के आंतरिक स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के अनुसार एक वह समय था जब पुस्तकालय मात्र डिपोजिटरीज या जिसमें बुक्स को रखा जाता था और वहाँ पर ग्रंथ प्रिजर्वेशन के लिए रखे जाते थे, सिर्फ उन्हें प्रिजर्व किया जाता था। तब पुस्तकालय सूची का निर्माण पुस्तकालय में संग्रहित सामग्री की तालिका इन्वेंट्री के लिए के रूप में किया जाता था। सूची को बहुत ही संक्षिप्त रूप में टाइटल लाइन के रूप में बनाया जाता था जिससे परिग्रहण या एक्सेशन में ग्रंथ अंकित करते रहने थे। उन दिनों निधानियों पर ग्रंथ की परिग्रहण संख्या से ही लगाए जाते थे। इसके बाद पुस्तकालय ने सेवा संस्था या सर्विस इंस्टीट्यूशन का रूप ग्रहण किया जिसमें कि परिरक्षण की भावना का स्थान सेवा की भावना ने ले लिया। परिणाम स्वरूप प्रविष्टियों का क्रम आख्या पंक्ति न होकर लेखकों के नामों के अनुसार अल्फाबेटिकल हो गया। कुछ समय बाद पाठक की विषय अभिगम या सब्जेक्ट अप्रोच हम कह सकते हैं को महत्व दिया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप हमने सब्जेक्ट क्रम की जगह कई क्रमों को व्यवहार में लाया गया जिससे विषयों को व्यापक वर्गों में बांट दिया जाता था। एक व्यापक वर्ग के लिए एक अनुक्रम बनाया जाने लगा। इस प्रकार इतने व्यापक वर्ग बनाए जाते थे जिससे संपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र को विभाजित किया जा सके। इसके बाद सेल्फ रजिस्टर अप्रोच व्यवहार में आई। इसमें आख्या पंक्ति या टाइटल लाइन एंट्रीज उसी क्रम में रखी जाती थी जिस क्रम में ग्रंथ सेल्फ पर रखे जाते थे। विकास के अगले चरण में शब्दकोशीय सूची को अपनाया गया। डिक्शनरी सूची में सभी प्रकार की प्रविष्टियों को जिसमें पाठकों की सभी अगमों या कहे तो हम सारी अप्रोचेस या विषय, लेखक,
सहकारक, ग्रंथमाला आदि की पूर्ति हेतु सभी प्रविष्टियों को एक अनुक्रम में रखा जाता था। डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार पुस्तकालय सूची के विकास का फिर वह चरण आया जब सूची को कार्य के अनुरूप दो भागों में बांटा गया। एक भाग में अंक प्रविष्टि को कामक अंक या कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है और दूसरे भाग में शब्द प्रविष्टियों को अनुवर्णिक क्रम में, जैसा कि शब्दकोश में होता है, जिस तरीके से डिक्शनरीज में अल्फाबेटिकल होता है, उस क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ इनर फॉर्म। सूची के आंतरिक स्वरूप को व्यवस्थापन के आधार पर मुख्य रूप में विभाजित किया गया है। तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। अनुवर्णिक सूची, जिसे हम अल्फाबेटिकल कैटलॉग भी कहते हैं, या वर्गीकृत सूची सेकंड, जिसे हम क्लासिफाइड कैटलॉग भी कहते हैं। तीसरा अनुवर्णिक वर्गीकृत सूची, जिसको अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड कैटलॉग भी कहा जाता है। फोर्थ आता है अल्फाबेटिकल कैटलॉग। इस सूची में प्रविष्टियों को अनुवर्णिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे लेखक, विषय, आख्या आदि। इन सूचियों को लेखक सूची, अनुवर्णिक विषय सूची, आख्या सूची आदि कहते हैं। अल्फाबेटिकल सूची में हम उसे जनरली अल्फाबेटिकल वाइज रखते हैं, जैसे ए टू जेड को पुनः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। अल्फाबेटिकल कैटलॉग्स को भी कई डिविजन्स में बांटा गया है, जैसे ऑथर कैटलॉग, या सेकंड कहे टाइटल कैटलॉग, थर्ड नेम कैटलॉग, फोर्थ अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, फिफ्थ डिक्शनरी कैटलॉग। तो आइए हम फर्स्ट जानते हैं ऑथर कैटलॉग। यह सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन प्रकार की सूची है। यद्यपि इसे लेखक सूची कहते हैं, पर यहाँ लेखक शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें संपादक, अनुवादक, संशोधनकर्ता, रूपांतरकार, संकलनकर्ता, चित्रकार, संक्षेपकार आदि की भी सम्मिलित होते हैं। इसमें सभी प्रविष्टियों को अकादमिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें लेखक का नाम शीर्षक अनुच्छेद में अंकित किया जाता है। जैसे ही लेखक, ऑथर, ऑथर से हम समझते हैं कि ऑथर कौन हो सकता है, या तो उस बुक का एडिटर हो या ट्रांसलेटर हो, उन्होंने भी, जिस किसी ने भी, जिस व्यक्ति ने भी उस बुक में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम उसे एज ऑथर मानकर, या एडिटर और इन्हें भी हम एक ऑथर मानकर उनकी भी इंट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक ही स्थान पर एकत्रित की जा सकती है, जिससे सुविधापूर्वक यह माना जाता है कि अमुक लेखक के कौन कौन से ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध है, उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। यह सूची पाठकों को ऐसे ग्रंथों की उपलब्धता की सूचना प्रदान करती है जिसके लेखकों के नाम उन्हें ज्ञात हो। अगर उन्हें लेखकों के नाम ज्ञात है तो उसकी पूरी की पूरी सूची एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं। दोष, इसमें कुछ दोष भी है। यह सूची पाठकों को ग्रंथ के लेखक का नाम ज्ञात होने की अवस्था में ही उपयोगी होती है। अगर उसे लेखक का नाम नहीं पता है तो वो ये सूची का प्रयोग नहीं कर सकता। लेखक के अतिरिक्त अन्य अभिगमों, जैसे आख्या, विषय, ग्रंथमाला आदि से ग्रंथ मांगे जाने पर उनकी पूर्ति संभव नहीं है। कुछ ग्रंथों में लेखक का नाम नहीं दिया रहता है। ऐसे ग्रंथों की प्रविष्टि आख्यांतर्गत बनाई जाती है। ऐसी प्रविष्टियों को लेखक सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर किसी बुक का एनोनॉमस ऑथर है जिसका ऑथर का नाम नहीं दिया गया है, तो उस केस में हम इसमें एंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑथर का नाम नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अगर हम बात करें टाइटल कैटलॉग की, ग्रंथ में लेखक के नाम का वह हो सकता है, अर्थात बिना लेखक के नाम वाला ग्रंथ हो सकता है, परंतु बिना टाइटल के ग्रंथ की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी सूची जिसमें मात्र आख्या प्रविष्टियों को ही अकारादिति क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को आख्या सूची कहते हैं, या हम जिसे टाइटल कैटलॉग कहते हैं। इसमें कुछ निम्न गुण हैं। यह सूची पाठकों को ग्रंथ की आख्या या टाइटल ज्ञात होने पर उनकी अभिगम की पूर्ति करता है। अगर उसे टाइटल पता है तो वो इसे सर्च कर सकता है। इससे अनामक लेखक वाले ग्रंथों की प्रविष्टियाँ भी उपलब्ध होती है, जो अगर जिनका कोई ऑथर नहीं है उनकी भी प्रविष्टियाँ इसमें मौजूद होती है, क्योंकि किसी भी बुक का टाइटल हो, ये टाइटल ना हो, ये हो नहीं सकता। इसमें कुछ दोष है। यह सूची मात्र आख्या अभिगम की ही पूर्ति कर सकती है। ओनली सिर्फ इसमें टाइटल के अकॉर्डिंग ही हम सर्च कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अभिगमों, जैसे लेखक हुआ या ग्रंथमाला आदि की पूर्ति सूची में संभव नहीं है। तो कुछ टाइटल एक समान होते हैं,
ऐसी अवस्था में यदि पाठकों को उनके लेखक का नाम ज्ञात न हो तो उन्हें पहचानने में कठिनाई भी आ सकती है। तीसरा हम बात करते हैं नेम कैटलॉग या नाम सूची। मैं लेखक रख अन्य ऐसी प्रविष्टियां जिनमें लेखक का नाम सम्मिलित हो, जैसे लेखक विषय के रूप में लेखक का नाम, आख्या अथवा ग्रंथमाला में प्रयुक्त हो आदि को एक अकारादि या क्रम में अवस्थित किया जाता है। इस प्रकार यह एक मिश्रित सूची है जिसमें लेखक द्वारा लिखे गए ग्रंथ, लेखक पर लिखे गए ग्रंथ तथा नाम ग्रंथमाला की प्रविष्टि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अगर एक लेखक द्वारा उसका कहीं पर नाम जिक्र आ रहा है, कहीं एडिटर में आ रहा है, या उसके ऊपर कोई बुक लिखी गई है या उसने ट्रांसलेट की गई है कोई बुक, तो वो सारी बुक इस नेम कैटलॉग में आ जाएगी। नेम से मतलब ही है कि किसी के नाम के अकॉर्डिंग हम उसे क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी बुक्स को अरेंज किया जा सकता है या सारी जितना भी मटेरियल है रिसोर्सेस उसको अरेंज करते हैं। तो हमारा फोर्थ विषय आ जाता है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। इस सूची में ग्रंथ के विशिष्ट विषय तथा उनसे संबंधित के विषय में बनाई जाती है। ये हम जैसे अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग से ही हम मानते हैं कि अगर सब्जेक्ट कैटलॉग जो होता है उसी को एक अल्फाबेटिकल क्रम में रखकर बनाया जाता है। इसके कुछ गुण हैं, यह सूची पाठक को विशिष्ट विषय ज्ञात होने पर उनके अभिगम की पूर्ति करती है तथा एक विशिष्ट विषय पर उपलब्ध सभी ग्रंथों को एक स्थान पर एकत्रित कर देती है, जिससे यह जानने में सुविधा होती है कि अमुक विशिष्ट विषय पर पुस्तकालय में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, अर्थात किसी विषय के ग्रंथों की पर्याप्तता को इंगित करता है। कितनी बुक्स अवेलेबल है उस सब्जेक्ट पर, अगर मान लीजिए कि कोई साइंस का एक सब्जेक्ट है फिजिक्स है, फिजिक्स पर हमारे पास मान लीजिए 1500 बुक्स है, तो वो सारी एक ही जगह पर पाई जाएगी, तो इससे एक वो फ़ायदा है। इसके कुछ दोष भी हैं, अन्य सूचियों के समान यह सूची भी पाठकों की मात्र एक ही अभिगम या एक ही अप्रोच को पूर्ण करती है जो कि विषय है। अन्य वांछित अभिगमों जैसे लेखक हुआ, टाइटल हुआ, ग्रंथमाला आदि की पूर्ति संभव नहीं होती है। हम बात करते हैं फिर डिक्शनरी कैटलॉग। ALA ग्लोसरी के अनुसार शब्दकोशी सूची वह है जो प्राय पत्रकों पर व्यवस्थित की जाती है तथा जिसमें समस्त प्रविष्टियाँ, लेखक, आख्या, विषय, ग्रंथमाला आदि तथा उनके संबंधित निर्देश एक साथ ही स्व सामान्य अनुगण या अल्फाबेट में व्यवस्थित किए जाते हैं, पर उपव्यवस्थापन में प्राय भिन्नता होती है। रंगनाथन ने शब्दकोशी सूची को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है, ऐसी सूची जिसमें सभी प्रविष्टियां शब्द प्रविष्टियां हो, फलस्वरूप एक शब्दकोशी सूची में मात्र एक भाग होता है। शब्दकोशी सूची में प्रविष्टियां एक वर्णाकुलम में कोश के समान व्यवस्थित होती है, या फिर कहे थर्ड शब्दकोशी सूची में मुख्य प्रविष्टि लेखक के नाम अथवा उसके स्थानापन्न से प्रारंभ होती है। इस सूची में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन शब्दकोश के समान होने के कारण ही इसे शब्दकोशी सूची कहा जाता है या डिक्शनरी कैटलॉग कहा जाता है। सूची का यह स्वरूप अमेरिकन ग्रंथालयों में काफ़ी प्रचलित है। यह सामान्यतः डिक्शनरी की तरह ही दिखाई देता है या डिक्शनरी की तरह ही हम इसे सर्च कर सकते हैं, जिससे कि सर्च में भी आसानी होती है। इसके भी कुछ लाभ हैं। इस सूची की लोकप्रियता के मुख्य कारण निम्नलिखित है: सरलता एवं सुगमता, इस सूची में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन शब्दकोश के समान सरल एवं सुगम होने तथा उपयोगकर्ताओं का पहचान होने के कारण इसका प्रयोग उन्हें सुविधाजनक लगता है और उन्हें अभीष्ट सूचना प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इसमें सूची प्रविष्टियों, लेखक, सहलेखक, आख्या, सहकारक, विषय आदि, ग्रंथमाला आदि के एक ही क्रम में व्यवस्थित होने के कारण यह सूची पाठकों की सभी अप्रोचेस की पूर्ति करता है। तीसरा हम यूँ कहें कि सूची एक ही भाग होने के कारण पाठकों को अभीष्ट सूचना प्राप्ति हेतु इधर उधर नहीं जाना पड़ता, इससे उनके समय की काफ़ी बचत होती है। चौथा, इस सूची की सभी प्रविष्टियों के शीर्षक अनुच्छेद का निर्माण प्राकृतिक भाषा में होने के कारण पाठकों को वर्गीकरण की कृत्रिम भाषा में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि हम ये भी कह सकते हैं कि वर्गीकरण सूची में संबंधित विषय एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, तथापि कभी कभी वह विभिन्न स्थानों पर निकल जाते हैं।
जबकि वहीं विशेष शब्दकोशी सूची में एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरणतः ऐसे शोधकर्ता को जो भारतीय कला, संगीत, इतिहास, दर्शन आदि सभी विषयों को साहित्य का अध्ययन करना चाहता है कि प्रविष्टि वर्गीकृत सूची में वर्गांक के अनुसार विभिन्न स्थानों पर बिखर जाती है, जबकि शब्दकोशी सूची में एक ही स्थान पर एकत्रित रहती है। यूबी के इसमें निर्देशों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, जो कि वर्गीकृत सूची में संभव नहीं है। सातवां, विषय को सही रूप से मांग करने पर यह सूची पाठकों के प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट मैनर से देने में समर्थ होती है। उदाहरण ले हम कि यदि किसी पाठक को गुलाब से संबंधित ग्रंथ चाहिए तो उसे गुलाब पर देखने से ग्रंथालय में उस गुलाब पर उपलब्ध पाठ्य सामग्री की जानकारी प्राप्त तो हो जाएगी। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि गुलाब एक पुष्प है और जिसका अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है। आठवां, अगर हम यूं कहें कि सूची के वर्गीकरण पद्धति पर आधारित न होने के कारण यह वर्गीकरण पद्धति की त्रुटियों के अभाव से मुक्त रहती सूचीकरण है। सूचीकार को अनुवर्णिक विषय शीर्षक निर्माण में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसके कुछ दोष इस प्रकार हैं। पहला, विषय को सही नाम से न मांगे जाने पर यह सूची पाठकों के विषय अभिगम की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है। उदाहरणतः हम कहते हैं कि यदि पाठक शतरंज खेल पर साहित्य चाहता है और वह सूची को इंडोर गेम्स या गेम्स के अंतर्गत देखता है तो वह शतरंज विषय पर संपूर्ण ग्रंथ प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। उसे सूची को शतरंज के अंतर्गत ही देखना चाहिए, जिससे कि उसे सारी जानकारी वहीं पर प्राप्त हो सके। दूसरा, हम यूं भी कहें कि यह सूची उतनी सरल एवं सुगम नहीं है जैसी दिखाई पड़ती है। आकार आदि क्रम व्यवस्थापन से कई बार संबंधित विषय वर्ण ए से टू तक में बिखर जाते हैं। उदाहरणतः चुंबक या इलेक्ट्रिसिटी संबंधित विषय होने पर भी ई एवं एम पर व्यवस्थित होने के कारण एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट दोनों बहुत दूर है। एम और ई इज अ बिग डिफरेंस। सी, उपर्युक्त विधि से बिखरे विषयों को संबंध करने के लिए देखिए और इन्हें भी देखिए विषय निर्देश तैयार करने पड़ते हैं। इनकी बहुतायत कई बार पाठकों के लिए कष्टदायी व उलझनपूर्ण सिद्ध होती है तथा यह सूची के आकार में भी वृद्धि करती है। फोर्थ, इसमें सभी प्रकार के प्रविष्टि को एक ही क्रम में व्यवस्थित करने के कारण सूची का आकार बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण पाठकों को इसके प्रयोग में काफ़ी असुविधा होती है। फिफ्थ, यह सूची सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए जहां पाठकों की अधिकतर मांग लेखक के नाम, आख्या आदि से होती है के लिए तो उपयोगी है, परंतु शोध रक्त शैक्षणिक ग्रंथालयों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। हम आगे बात करते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग की। तो क्लासिफाइड कैटलॉग की मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में क्रमांक अंक या क्लास नंबर अंकित किए जाते हैं तथा इस प्रविष्टियों का व्यवस्थापन आधार भी वर्गांक या क्रमांक भी होता है। रंगनाथन ने वर्गीकृत सूची को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है, ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियाँ तथा कुछ शब्द प्रविष्टियाँ हैं। फलस्वरूप अनुवर्ग या क्लास नंबर सूची के दो भाग होते हैं, वर्गीकृत भाग तथा अनुवर्णिक भाग। वर्गीकृत भाग में अंक प्रविष्टियां मुख्य प्रविष्टियां तथा अंतर विषयी प्रविष्टियां या आइडेंटिटी व अनुवर्णिक भाग में शब्द प्रविष्टियां, वर्ग निर्देशित प्रविष्टियां, ग्रंथ निर्देशीय प्रविष्टियां तथा नामांतर निर्देशी प्रविष्टियां एक वर्णाकुलम में व्यवस्थित होती है। मार्गरेट मन के अनुसार वर्गीकृत सूची एक विशेष सूची है जिसमें प्रविष्टियां किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण पद्धति, अंकन या वर्गीकरण चिन्हों के आधार पर व्यवस्थित की जाती है, जैसे कि DDC या CC के अकॉर्डिंग उन्हें रखा जाता है। इसके कुछ प्रमुख लाभ भी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी विषय विशेष एवं संबंधित विषयों पर पुस्तक में उपलब्ध समस्त पाठ्य सामग्री की प्रविष्टियाँ इस सूची में एक स्थान पर उपलब्ध होती है। इससे पाठकों को अनेक अपने विषय के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जहां अनुवर्णिक विषय सूची में मात्र वांछित आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है, वहीं वर्गीकृत सूची अनापेक्षित आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसमें शोधकर्ताओं को बहुत लाभ प्राप्त होता है, उन्हें एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारी बुक्स एक ही जगह पर मिल जाती है।
सूची के किसी विषय के पत्रों को एकत्रित करके किसी विषय विशेष की ग्रंथ सूची संपादित व मुद्रित की जा सकती है। किसी विषय की सूची भी इससे बनाई जा सकती है। या हम यूँ कहें कि पुस्तकालय में किसी विषय पर कितने ग्रंथ उपलब्ध है की सूचना भी दी जा सकती है, जिसे प्रत्येक विषय पर संतुलित ग्रंथ भंडार बनाने में सहायता मिलती है। हमें परचेसिंग में भी इससे मदद मिल सकती है। इस सूची में प्रविष्टियों का वही व्यवस्थापन क्रम होता है जो कि ग्रंथों का निधानियों पर होता है, जैसे जो कि सेल्फ लिस्ट में जिस अकॉर्डिंग होता है उसी तरह इसमें भी होता है। सेल्फ पर जिस तरीके से हम बुक्स को रखते हैं उसी तरीके से क्लासिफाइड कैटलॉग्स में भी बुक्स का अरेंजमेंट होता है। इसके ग्रंथ संग्रह कक्ष से ग्रंथ प्राप्ति में सुविधा होती है। यदि वर्गीकरण हेतु किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वर्गीकरण पद्धति DDC या CC का प्रयोग किया गया हो तो इससे सहकारी सूचीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण में सहायता मिलती है। विषय की पदावली में परिवर्तित होने से सूची में कोई विशेष अंतर नहीं आता, मात्र एक विषय निर्देश प्रविष्टि में परिवर्तन ही से ही काम चल जाता है। यह सूची भी अपने दूसरे भाग अनुवर्णिक भाग द्वारा शब्दकोशी सूची के समान पाठकों की विभिन्न अभिगमों लेखक आख्या टाइटल विषय ग्रंथमाला सहकारक आदि की पूर्ति करने में सक्षम है। यदि यह सूची पत्रकों पर बनी हो तो कर्मचारियों को दोनों भागों में विन्यासन और अनुरक्षण में सुविधा होती है तथा एक ही समय में अधिक संख्या में पाठकों द्वारा अलग अलग भाग का प्रयोग किया जा सकता है। इसके कुछ दोष भी इस प्रकार हैं। पाठकों को विषय अभिगम की पूर्ति हेतु दो चरणों में सूची का प्रयोग करना पड़ता है। पहले अनुवर्णिक भाग तथा वहां से इंडेक्स नंबर की सहायता से वर्गीकृत भाग में पहुंचा जाता है। इससे समय व श्रम की बर्बादी होती है। वर्गीकरण पद्धति के अंकन में कृत्रिम भाषा में होने तथा उससे अपरिचित होने के कारण पाठकों को इसके प्रयोग में मनोवैज्ञानिक बाधा व कठिनाई होती है। कई बार उन्हें पता नहीं होता कि क्लास नंबर क्या है, क्लास नंबर क्या है, तो उस हिसाब से वो उस बुक तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। ज्ञान जगत में विकास के साथ साथ वर्गीकरण पद्धति की शेड्यूल्स अप्रचलित होती जाती है, जिसे समय समय पर संशोधित करना पड़ता है, क्योंकि कई बार कॉल नंबर्स भी थोड़े चेंज हो जाते हैं क्लास नंबर, तो उन्हें हमें चेंज करते रहना चाहिए। इस सूची में वर्ग निर्देशी प्रविष्टियों का निर्माण वर्गांक की सहायता से किया जाता है, जिसका निर्धारण वर्गीकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस सूची में सूचीकार की स्वायत्तता का क्षय होता है। वर्गीकृत सूची एक शब्दकोशीय सूची तथा तुलनात्मक सूची कंपेरिजन ऑफ क्लासिफाइड एंड डिक्शनरी कैटलॉग। वर्गीकृत सूची एवं शब्दकोशीय सूची का तुलनात्मक अध्ययन। हम कहें तो सूची के विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत सूची रख शब्दकोशी सूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों सूचियों का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है। डिक्शनरी कैटलॉग या क्लासिफाइड कैटलॉग। पहला हम यह कहें कि यह प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने में वर्णमाला क्रम का अनुसरण करता है। या क्लासिफाइड कैटलॉग का कहें यह प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने में वर्गीकृत क्रम का मुख्य पालन करता है, मुख्य या वर्गीकृत भाग में। दूसरा हम यूँ कहें इसमें केवल एक हिस्सा है जिससे लेखक शीर्षक विषय और क्रॉस संदर्भ या प्रविष्टियों के लिए प्रविष्टि को एक वर्णमाला अनुक्रम में उन शब्दों या अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जो शीर्षकों का निर्माण करते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग में कहें इसके दो भाग है, वर्गीकृत और वर्णमाला। वर्णमाला भाग को सूचकांक भाग के रूप में जाना जाता है। वर्गीकृत भाग में संख्या प्रविष्टियों और वर्णमाला भाग शब्द प्रविष्टियाँ होती है। या हम डिक्शनरी कैटलॉग को कहें एक आम पाठक से परामर्श करना आसान है, जो एक आम पाठक से परामर्श कर सकता है। कोई भी पाठक जो किसी शब्द को उसकी सलाह ले सकता है वह आसानी से परामर्श कर सकता है, तो यह आम यूज़र के लिए आसान है। क्लासिफाइड कैटलॉग यह तुलनात्मक रूप से मुश्किल है, क्योंकि पाठकों को प्रतीकों के क्रमिक मूल्य आदि के बारे में पता नहीं हो सकता जो विषय के अंकन या वर्ग संख्या बनाते हैं, तो ये यूज़र फ्रेंडली थोड़ा कम है। डिक्शनरी कैटलॉग
चूँकि यह वर्णानुक्रम अवस्था का अनुसरण करता है, इसलिए पाठक केवल एक बार कैटलॉग में देखकर अपनी रुचि की पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खोज में पाठक का कम समय लगता है, इसे आसानी से सर्च किया जा सकता है क्योंकि अल्फाबेटिकल होने के कारण आसानी से सर्चेबल है। चूँकि यह वर्ग संख्या के तहत वर्गीकृत व्यवस्था का अनुसरण करता है, इसलिए पाठक को आमतौर कर पहले वर्णानुक्रमिक भाग या सूचकांक भाग और फिर वर्गीकृत भाग से परामर्श करना आवश्यक होता है, इसलिए खोज में अधिक समय लगता है। यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असुविधा पैदा करता है, चूँकि यह संबंधित विषयों के लिए वर्णक्रमिक व्यवस्था प्रविष्टियों का अनुसरण करता है। आमतौर पर यह अक्षर के दुर्घटना के कारण एक दूसरे से बहुत दूर रखा जाता है। हालांकि पर्याप्त संख्या में क्रॉस रेफरेंस प्रविष्टियां प्रदान करके इस असुविधा को दूर किया जा सकता है। क्लासिफाइड कैटलॉग में चूँकि यह संख्या के तहत वर्गीकृत व्यवस्था का पालन करता है, संबंधित विषयों के लिए एंट्रीज एक साथ रखी जाती है। यह बड़ी संख्या में क्रॉस रेफरेंस प्रविष्टियों की तैयारी करता है। अल्फाबेटिकल कैटलॉग में 6 वर्णमाला की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विषयों के बीच फाइलरी अनुक्रम को बनाए नहीं रखा जा सकता है, प्रविष्टियों की व्यवस्था पर कर सकता है। यह संख्याओं वर्गीकृत व्यवस्था के कारण प्रविष्टियों की फाइलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करता है। हम यूँ कहें 7वां पॉइंट, संबंधित विषयों को पसंद करने के लिए क्रॉस संदर्भ प्रविष्टियों के लिए उदार और अत्यधिक प्रावधान कैटलॉग को भारी बनाता है। इसमें या क्लासिफाइड कैटलॉग में इसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज की संख्या प्रतिबंधित है और इस प्रकार कैटलॉग का आकार और थोक नियंत्रण में रहता है। 8वां डिक्शनरी कैटलॉग, यह पुस्तकालय में प्रयुक्त वर्गीकरण की योजना पर अपनी सफलता के लिए निर्भर नहीं करता है, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इसकी सफलता पुस्तकालय में प्रयुक्त वर्गीकरण की योजना पर निर्भर करती है। वर्गीकरण की योजना का कोई भी दोष प्रविष्टियों की व्यवस्था को दोषपूर्ण बना सकता है। अगर क्लासिफाइड कैटलॉग में वर्गीकरण सही नहीं है तो कैटलॉगिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग में प्रॉब्लम्स आती है। 9वां हम बोलें, यह विषय क्षेत्रों में संग्रह के संबंध में पुस्तकालय की वास्तविक तस्वीर को प्रदर्शित प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था एक है, संख्या के आधार पर तरीके, जबकि कैटलॉग में प्रविष्टियों की व्यवस्था हमेशा अक्षर पर आधारित होती है, इसीलिए ये जितनी बुक्स हमारी लाइब्रेरी पे उसको नहीं दिखाता है। और क्लासिफाइड कैटलॉग में यह विभिन्न विषय क्षेत्रों में संग्रह के संबंध में पुस्तकालय की वास्तविक तस्वीर को दर्शाता है, क्योंकि सूची में अलमारियों और प्रविष्टियों पर पुस्तकों की व्यवस्था दोनों संख्याओं पर आधारित है। अल्फाबेटिकल में 10वां पॉइंट, यह विशिष्ट विषयों के लिए सीधे दृष्टिकोण को संतुष्ट करता है, क्योंकि विषय प्रविष्टियों को विशिष्ट विषयों के तहत व्यवस्थित किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग में यह विशिष्ट विषय के लिए सीधे दृष्टिकोण को संतुष्ट नहीं कर सकता है, प्रविष्टियों को उनके व्यापक विषय के तहत व्यवस्थित किया जाता है। हम यू कहें 11वां पॉइंट, यह किसी विशेष विषय के संबंध में पुस्तकालय के संग्रह की कमजोरी या ताकत नहीं दिखाता है। और क्लासिफाइड कैटलॉग में यह विपरीत है कि वो किसी विषय पर उसकी पूरी पकड़ दिखाता है कि हमारे पास कितना कलेक्शन है। एक विषय पर संग्रह में लाइब्रेरी अनजाने और अनियंत्रित वृद्धि या कमजोरी को ध्यान में रखता है कि वो किस तरीके से उस विषय में बुक्स परचेस करे या ना करे, उसकी जानकारी भी प्रदान करता है। 12वां, यह विभिन्न विषयों पर ग्रंथ सूची के रूप में या छोटे पुस्तकालयों के लिए पुस्तक चयन उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकता। बट क्लासिफाइड कैटलॉग यह विभिन्न विषयों पर एक ग्रंथ सूची या छोटे पुस्तकालयों के लिए एक पुस्तक चयन उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। किसी सब्जेक्ट पर अगर किसी को कलेक्शन बढ़ाना है तो उसमें यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 13वां पॉइंट, विभिन्न वर्णमाला से शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्दों के प्रवेश को एक दूसरे से बहुत दूर रखा जाएगा और वांछनीय नहीं है, जो कि सही नहीं है। 13th, यह वर्गीकृत कैटलॉग में कभी नहीं होता है, वहाँ पे एक ही विषय की सारी वस्तुएं एक ही जगह पर रखी होती है। 14वां पॉइंट, अल्फाबेटिकल कैटलॉग में होमोनिम्स की पंक्तियाँ एक ही वर्तनी के साथ
लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्द एक साथ आते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। कई बार एक ही शब्द एक जैसे ही होते हैं बट उनका अर्थ अलग अलग होते हैं, तो भ्रम हो सकता है यूज़र को, इसलिए इसमें वो प्रॉब्लम होती है। बट क्लासिफाइड कैटलॉग्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। निष्कर्ष यही निकलता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग है वो छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों, सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरीज और सामान्य पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है, और वहीं क्लासिफाइड कैटलॉग शोध पुस्तकालय, रिसर्च लाइब्रेरीज और जो भी बड़ी लाइब्रेरीज है और विशेष पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम बात करते हैं आगे अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की या अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड कैटलॉग की। इस सूची में वर्गीकृत एवं शब्दकोशीय दोनों ही विशेषताओं का समन्वय है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल भी होती है और क्लासिफाइड भी होती है। कटर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि इसमें विषयों का विभाजन विस्तृत वर्ग के रूप में किया जाता है, जिससे कहीं आकार आदि उप विभाजन होते हैं। इसमें लेखक व टाइटल एंट्रीज को भी उसी आकार आदि क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस सूची को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड। इसमें वो तो मुख्य विषयों को वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उनके अधीनस्थ विषयों के विभाजन को आकार आदि क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रकार भौतिक शास्त्र के अंतर्गत चुंबक, ध्वनि, प्रकाश, ताप आदि को आकार आदि क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा अथवा मुख्य विषयों को आकार आदि क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा अधीनस्थ विषयों का व्यवस्थापन वर्गीकृत क्रम में होना है। इस प्रकार यह विधि प्रथम विधि से एकदम विपरीत है। इसके कुछ गुण और दोष भी हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सूची में वर्गीकृत एवं शब्दकोशी सूची के गुणों को संबंधित करने का प्रयत्न किया गया है। इस सूची में किसी संग्रह में उपलब्ध तार्किक विधि से संबंधित एक विषय से संबंधित सभी ग्रंथों की सूचना प्राप्त हो जाती है। इस सूची के गुण दोषों के बारे में विस्तृत रूप से कहना संभव नहीं है, क्योंकि सूची के इस स्वरूप का अधिक प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी सूची के इस स्वरूप को न तो शब्दकोशी सूची या अल्फाबेटिकल के समर्थकों का समर्थन प्राप्त है और न ही वर्गीकरण सूची के समर्थकों का। तो हम निष्कर्ष पर यूँ पहुँचते हैं कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सूची से सभी प्रकारों में जहाँ अनेक गुण हैं वहीं कुछ दोष भी परिलक्षित होते हैं। जहाँ वर्गीकृत सूची के समर्थकों का यह कथन है कि सूची का कोई अन्य स्वरूप उसका स्थान नहीं ले सकता, वह इसके विरोधी इसे जटिल मानते हैं, जिसे समझने व प्रयोग करने में पाठकों को काफ़ी असुविधा होती है। जिस प्रकार के पुस्तकालय में सूची के किस स्वरूप को अपनाएं, इसका निष्कर्ष करते समय पुस्तकालय की प्रकृति एवं पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। साधारणतः विद्यालय एवं सार्वजनिक ग्रंथालय में जहां पाठक अधिकतर लेखक, टाइटल, सब्जेक्ट आदि के नाम से ग्रंथ की मांग करते हैं, वहीं शब्दकोशीय अधिक उपयोगी होते हैं अल्फाबेटिकल, तथा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शोध ग्रंथालयों में जहाँ विषय अधिक महत्वपूर्ण है के लिए वर्गीकृत सूची अधिक उपयोगी होती है। तो आज हमने इसमें टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग क्या होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग क्या होता है, तो उसके बारे में हमने सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। आगे की यूनिट में हम उसके बारे में और विस्तृत से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम कैटलॉग बनाते हैं, कहाँ पर कौन सी एंट्री कैसे दी जाती है, उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड आभार।